नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और भाइयों, आज की वीडियो में आपको आइसर 380 सुपर पावर ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। भाइयों, ये 45 एचपी का ट्रैक्टर है। जानेंगे इस ट्रैक्टर में क्या खास जानकारी है, ठीक है, सबसे इसमें क्या अलग है। तो चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के बारे में। फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे, इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट लुक है देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं, ये जो आपको लाइटें मिलती हैं, ये आपको हैलोजन लाइटें मिलती हैं। और ये आइसर कंपनी का लोगो है, आप देख पा रहे होंगे। फ्रंट में आपको ये बम्पर लगभग 60 केजी प्लस का बम्पर होने वाला है, 60 केजी से ऊपर का ही होगा वैसे। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये सिस्टम दिया हुआ है कूलिंग का, काफ़ी अच्छी इसकी जो जाली है देखने में अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर है। और इस ट्रैक्टर का जो एयर क्लीनर, इसमें आपको 4 स्टेज ऑयल बाद वाला एयर क्लीनर मिलता है, ठीक है। इधर देख पा रहे होंगे आप लोग, इसका जो फ्रंट एक्सल है ये नॉन एडजस्टेबल है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हैवी कंपनी ने बनाया है, ठीक है भाइयों। और इसका जो पावर स्टीयरिंग है, मेन इसका जो बदलाव है, आप देख पा रहे होंगे इसका जो पावर स्टीयरिंग है, इसके जैसा पावर स्टीयरिंग किसी ट्रैक्टर में नहीं है। काफ़ी ट्रैक्टर में देखा होगा आपने, यहाँ से होता है तो उसमें दिक्कत वगैरह आ जाती है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये काफ़ी अच्छा काम किया है कंपनी ने। और इसका जो पावर स्टीयरिंग है, इसमें आपको बैलेंस टाइप का पावर स्टीयरिंग मिलेगा, दोनों तरफ इसकी रॉड होती है तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है, मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है, सेफ्टी फीचर्स का ध्यान रखा गया है, देख सकते हैं आप लोग। और ये वाटर कोल्ड ट्रैक्टर है, एयर कोल्ड नहीं है, वाटर कोल्ड है, 3 सिलेंडर में आता है, ठीक है जी। और इसका जो इंजन है, लगभग 2500 cc का इसमें आपको इंजन मिलता है, इनलाइन पंप के साथ में आता है, देख सकते हैं आप, बॉस का इनलाइन पंप है। और यहाँ इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है, आप इस पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका डीजल फिल्टर दिया हुआ है, बॉस कंपनी के, इसमें आपको डीजल फिल्टर मिलते हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये इसमें आपको हाईलक्स का वाटर सेपरेटर मिलेगा, ट्रैक्टर में आपको उस साइड से दिखाऊँगा। बाकी इसका जो साइलेंसर है, आप देख पा रहे होंगे, साइलेंसर देखने में बहुत अच्छा लगता है, ये गार्ड दिया हुआ है, सेफ्टी फीचर्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है कंपनी ने। तो हम आपको ट्रैक्टर उस साइड से दिखाते हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है भाइयों। ये इसका देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग का पंप और हाइड्रोलिक्स का पंप, दोनों एक ही है, जैसे टैंडम पंप बोलते हैं। और ये दिखाओ जरा, यहाँ पर लिखा है मेड इन इंडिया, सिम्पसन का इसमें आपको इंजन मिलता है, डीजल इंजन, ठीक है जी। और ये इसके हाइड्रोलिक्स के फिल्टर वगैरह दिए हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, इसका अल्टरनेटर दिया हुआ है, मिंटा कंपनी का, इसमें आपको अल्टरनेटर मिलता है। इसका जो बैटरी बॉक्स है, ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये 5-स्टार ट्रैक्टर है, ये टॉप मॉडल है, आप चाहें तो 7 स्टेयरिंग सिंगल क्लिच में भी ले सकते हैं। कंपनी ने यहाँ पर पावर स्टेयरिंग लिख के दिया है, तो पावर स्टेयरिंग भी इसका थोड़ा सा खास दिया हुआ है। बाकी इस ट्रैक्टर का जो डीजल खर्चा है, 45 HP में इसका डीजल खर्चा काफ़ी कम होने वाला है। और जो हमारे भाई ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। और इससे पहले ये जो शोरूम है, ये सितारगंज में शोरूम है, यहाँ पे आपको आइसर के सभी ट्रैक्टर मिल जाएंगे, पन्नू ट्रैक्टर्स, ठीक है भाई, 20 HP से लेके और लगभग 60 HP तक के सभी ट्रैक्टर आपको मिल जाएंगे। और ये मॉडल आपको 4x4 में मिल सकता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है सुपर पावर, तो सुपर पावर का मतलब यही है, इसमें आपको एक्स्ट्रा पावर मिलती है। 45 HP का ट्रैक्टर है और ये आइसर कंपनी की पहचान है, इसका टूल बॉक्स शुरू से ही यहाँ पर कंपनी ने डिज़ाइन किया है, काफ़ी अलग ट्रैक्टर बनाया है। वैसे बात करें ब्रेक के बारे में, तो ट्रैक्टर में आपको तेल में डुबे हुए ब्रेक मिलते हैं, ऑयल मस्ट ब्रेक, ठीक है भाइयों। आप चाहें तो मल्टी डिस्क ब्रेक भी ले सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन रहेगा। बाकी साइड शिफ्ट गियर के साथ ट्रैक्टर आता है, 8+2 का इसमें आपको गियर बॉक्स मिलता है, यानी कि 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर मिलते हैं। और इसकी जो सीट है, ये एडजस्टेबल सीट होने वाली है, मैं आपको ट्रैक्टर उस साइड से दिखाता हूँ ज़रा। किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे इस ट्रैक्टर में ये मोबाइल चार्जर का सिस्टम दिया हुआ है, इसमें आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं। और इसका जो मोबाइल चार्जर का बॉक्स दिया हुआ है, ये थोड़ा सबसे खास है। खास क्या है इसमें, इसमें आपको सिर्फ डाटा केबल लगानी है, अदर में देखा हुआ आपने चार्जर लगाना है, इसमें सिर्फ डाटा केबल लगानी है आपको, आपका फ़ोन इसमें आसानी से चार्ज हो जाएगा। तो ये और सबसे मेन बात, पास में दिया हुआ है ड्राइवर के। किसान भाइयों, बात करते हैं ट्रैक्टर के डिजिटल मीटर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको सभी प्रकार के मीटर मिलते हैं, डिजिटल मीटर दिया हुआ है। और रात में इसकी LED जलती है, काफ़ी अच्छा कंपनी ने डिज़ाइन किया है। और इस ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के बाद दिखाओ जरा, स्टीयरिंग इसका बहुत अच्छा होने वाला है, बिल्कुल कारो वाला लुक है। और अब बात करेंगे इस ट्रैक्टर के वजन के बारे में, तो भाइयों इस ट्रैक्टर में लगभग आपको 19 क्विंटल 22 kg का वेट होने वाला है, तो वजन ठीक है ट्रैक्टर में। और इस ट्रैक्टर की जो ओवरऑल लंबाई है, 3455 mm की लंबाई होने वाली है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। स्पेस वगैरह ठीक है, अपनी कैटेगरी का हिसाब से ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा कंपनी ने डिज़ाइन किया है। डुअल क्लच ट्रैक्टर है,
काफ़ी स्मूथ इसका सिस्टम दिया हुआ है, तेल वाले ब्रेक मिलते हैं, मैंने आपको बताया था। बाकी इसकी जो फिनिशिंग वगैरह है बॉडी की काफ़ी अच्छी दी गई है, आप देख पा रहे होंगे। किसान भाई जो बात करते हैं ट्रैक्टर की पीडी पावर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 38 HP की पीडी पावर मिलती है। 45 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, ठीक है, तो 38 HP की पीडी पावर है। इस ट्रैक्टर से आप 7 फीट का रोटावेटर चला सकते हैं। बाकी किसान भाइयों, अगर आप आइसर 380 सुपर पावर 5-स्टार ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो उसके बारे में अपना फीडबैक जरूर दें, बताएं कि ट्रैक्टर कितना डीजल घंटे पे ले रहा है, और आपने कौन कौन से यंत्र पर ट्रैक्टर चलाया है, क्या खास बातें हैं वो बताएं, और कोई कमी वगैरह लगे तो ज़रूर बताएं मुझे वीडियो में, ठीक है। तो अब किसान भाइयों बात करते हैं टायरों के बारे में। इस ट्रैक्टर में आपको MRF के 14 और 28 के टायर मिलते हैं, आप देख पा रहे होंगे 14 के टायर मिलते हैं। तो बाकी जो टायर हैं आप चाहें तो गुडियर के भी ले सकते हैं, वो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं इसका पिछला हिस्सा। किसान भाइयों आप बात करेंगे इसके पिछले हिस्से के बारे में, तो पिछला हिस्सा इसका काफ़ी हैवी होने वाला है, आप देख पा रहे होंगे। इसकी जो लिफ्ट पट्टी हैं काफ़ी कंपनी ने हैवी दी हैं, मुझे लगता है कि इतनी हैवी लिफ्ट पट्टी किसी अदर ट्रैक्टर की नहीं होंगी इस सेगमेंट में, काफ़ी हैवी कंपनी ने दी हैं, देख सकते हैं आप लोग। और काफ़ी सुधार भी किया है पहले से, देख पा रहे होंगे इसमें आपको डबल सेंसिंग मिलती है, लिफ्ट में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और इसमें आपको ये सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, ठीक है भाइयों, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है, और ये टॉपलिंग दी हुई है। यह आपको रैक प्लेक्टर मिलेगा जो सभी ट्रैक्टर में मिलता है, यहाँ पे आप बोतल वगैरह रख सकते हैं, और ये ट्रॉली में अगर आपको लाइट फिट करना है तो ये आपको मिलेगा, ठीक है भाइयों, ये कंपनी ने दिया है। तो किसान भाइयों ये था आपके सामने आइसर 380 सुपर पावर 45 HP। इस ट्रैक्टर के बारे में मैंने आपको इसकी पीडियो पावर और इसकी लंबाई, इसका जो वजन था वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं ये ट्रैक्टर की एजेंसी कहाँ पे है। तो भाइयों ये नई एजेंसी खुली है सितारगंज में, पन्नू ट्रैक्टर्स, यहाँ पे आपको आइसर के सभी ट्रैक्टर मिल जाएंगे, 20 HP से लेके 60 HP तक के जितने भी इनके मॉडल, सभी मॉडल आपको मिल जाएंगे, और सभी का आपको डेमो मिल जाएगा।